हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर विष्णु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रजनन केंद्र। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के अंत तक बने रहें और इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास कैरू, भिवानी में, रेवाड़ी में, पंचकुला में और कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ आपको बड़े ध्यान से आंसर देना है और आपका राइट आंसर हो जाता है कैरू भिवानी में, यानी कैरू भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास भिवानी में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में और पीपली में। चूज द राइट वन। तो राइट वन है आपके पास भोर सौदान कुरुक्षेत्र में। तो यहां जो ऑप्शन है आपके पास भोर सौदान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? फर्स्ट रेवाड़ी में, सेकंड पंचकुला में, थर्ड पीपली में और लास्ट वन है भोर सौदान। तो राइट वन है आपके पास पीपली में, और पीपली कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में। तो ये आपका दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में मयूर प्रजनन केंद्र कहाँ है? फर्स्ट भिवानी में, झबुआ में, पीपली में और पिंजौर में। चूज द राइट वन। और राइट है आपके पास झबुआ, और झबुआ कहाँ है? रेवाड़ी में। दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? फर्स्ट पिंजौर में, सेकंड मोरनी में, थर्ड कैरू में, लास्ट वन पीपली में। चूज द राइट वन। और राइट है आपके पास पिंजौर, और पिंजौर कहाँ है आपका? पिंजौर है पंचकुला में। ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? फीसेंट प्रजनन केंद्र का आपको बताना है। तो फीसेंट ऑप्शन है आपके पास पिंजौर, मोरनी, पीपली और सिरसा। और राइट है आपके पास मोरनी, और मोरनी कहाँ है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है यमुनानगर, झबुआ, भोर सौदान और मोरनी में। चूज द राइट वन। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लें। और राइट वन है आपके पास पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में, यानी पंचकुला। दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो, हमारे हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन है सुल्तानपुर में, पंचकुला में, फरीदाबाद में, यमुनानगर में। यहाँ ऑप्शन आपका गुड़गांव भी हो सकता है। तो आपका जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर कहाँ है आपका? गुड़गांव में। इसके बारे में थोड़ा सा और रीड करते हैं। कहता है भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। यह पहले पक्षी अभयारण्य था जिसे 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीत ऋतु में सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें से साइबेरियन सारस प्रमुख है, और इसका क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से स्थित है? यमुनानगर में, पंचकुला में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में। चूज द राइट वन। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली रीड करते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास हरियाणा में दो ही हैं। तो ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में रीड करते हुए हम आपको बताते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग के यमुनानगर में स्थित है, यानी पूर्व में स्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।